कोर्स आपके पास में है, ये वही कोर्स है जिस कोर्स में कैंडिडेट सीखेगा कि उसको अपने कस्टमर के साथ में कैसे इंटरेक्ट करना है, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को कैसे डेमोन्स्ट्रेट करना है, कैसे उसको दिखाना है, शोरूम में प्रोडक्ट को कैसे डिस्प्ले करना है, कस्टमर को कैसे वो बेहतरीन शॉपिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकता है। तो ये सब चीजें वो सीखेंगे इस कोर्स में। इस कोर्स के करने से ना सिर्फ कैंडिडेट को पर्सनल स्किल्स उसके अंदर ड्रिल होते हैं, बल्कि प्रोफेशनल स्किल्स भी यहाँ पे उसके अंदर में ड्रिल होते हैं। और एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर में आपको एम्प्लॉयबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों ही तरह के स्किल्स कैंडिडेट के एनहांस हो जाते हैं, राइट। बेस्ट पार्ट अगेन फिर से कि ऑनलाइन ट्रेनिंग है, हम लोग हमेशा डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हम लोग अपने आप को डिजिटलाइज करने की बात करते हैं, तो एडुकेशन भी हम लोग डिजिटलाइज बात करेंगे, जहाँ पर आप लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग करेंगे जिसमें आपको टेक्निकल सॉफ्ट स्किल्स सब ट्रेनिंग आपको लाइव सेशन के द्वारा आपको सिखाया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको सेल्फ पेस्ड ई लर्निंग भी होगा, जहाँ पे आप लोग LMS के थ्रू आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये हुई कोर्स के बारे में बात। अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी को लेके, सो 18 साल की इसकी उम्र होनी चाहिए किसी भी कैंडिडेट की। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस सर्टिफिकेट कोर्स को करने के बाद जब उनको नौकरी के लिए जाना होगा, जॉब के लिए जाना होगा, तो वहां पर उनको 18 प्लस ईयर्स ऑफ एज ही रिक्वायर रहता है। द सेकेंड इज 10th पास, मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर 10th पास होगा। इस कोर्स को करने का फायदा, नंबर एक, आप एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दोनों ही तरह की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट करने के बाद किसी भी रिटेल स्टोर में, आप किसी भी रिटेल ब्रांड में, आप किसी भी रिटेलर के पास जा सकते हैं, वहां पर एज एन एसोसिएट वहां पे आप काम कर सकते हैं। करियर प्रोग्रेशन लिटरली बहुत अच्छा है इस सेक्टर में। आप शुरू करते हैं रिटेल ट्रेनिंग एसोसिएट से, उसके बाद में जिसको आप लोग अपनी भाषा में सेल्समैन कहते हैं, सेल्स एसोसिएट बोलते हैं, उसके बाद में फिर आप लोग असिस्टेंट डिपार्टमेंट मैनेजर बन जाते हैं, फिर आप डिपार्टमेंट मैनेजर बन जाते हैं, उसके बाद में फिर आप असिस्टेंट स्टोर मैनेजर बन जाते हैं, फिर आप स्टोर मैनेजर बन जाते हैं। तो इस तरह से इसका ये करियर का प्रोग्रेशन है जो आने वाले टाइम में आपको साल दर साल आप लोग अपने आप को प्रमोट होता देख सकते हैं। दूसरा सर्टिफिकेट जो रहेगा वो सर्टिफिकेट राशि का रहेगा। राशि मैंने बोला है तो रिटेलर्स एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया को हम लोग राशि के नाम से पुकारते हैं। ये सेक्टर स्किल काउंसिल है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है जो रिटेल सेक्टर में होने वाले सारी चीजों के लिए जिम्मेदार रहती है, और रिटेल सेक्टर में जो भी चीजें आती हैं वो सब राशि के माध्यम से ही आती हैं। जितना ट्रेनिंग होगा, सर्टिफिकेशन होगा, असेसमेंट होगा, जो फेयर्स होते हैं, वो सब आपका राशि ही कराता है, रिटेलर्स एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ही कराता है। अगर मैं इस कोर्स की फीस की बात करता हूँ तो कोर्स का फी है 199 प्लस GST जो उसको बनाता है 235 का, 235 रुपया का डिडक्शन जो होगा आपके वॉलेट से वो 235 का होगा। लेकिन हमारे VLE के पास में पूरी लिबर्टी है कि वो यहाँ पर लोकल मार्केट के बेस पर उसको वो चार्ज कर सकता है। अगर आप देखेंगे तो सारा कंटेंट आपका रिकॉर्डेड है, आप सारे कंटेंट को आप रिकॉर्डेड ही देख रहे हैं, सारा कंटेंट आप देख पाते हैं। आप अपने VLE को बोले वो मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन करे, अपने ही सेंटर पे कैंडिडेट को बुला सकता है, एक घंटा उनको पढ़ा सकता है, उसके बाद में उनका असेसमेंट कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन वहीं पर उसको मिल जाता है। तो जीरो इन्वेस्टमेंट में हमारे कैंडिडेट को ट्रेनिंग मिल जाती है, हमारे कैंडिडेट को असेसमेंट भी हो जाता है, सर्टिफिकेट भी हो जाता है, और हमारे VLE के पास में अर्निंग की अपॉर्चुनिटी वहां पर मिल जाती है। अब कैसे करेंगे हम इसका रजिस्ट्रेशन? बिल्कुल बहुत सिंपल है, किसी भी बाकी सर्विस की तरह आपको DSP पर जाना होगा, डिजिटल सेवा पोर्टल पर आपको जाना होगा। यहाँ पर आप सर्च करेंगे रिटेल, RETAIL, आप सर्च करेंगे यहाँ पे रिटेल, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे नीचे कोर्स आपको नजर आ रहा है रिटेल सेल्स एसोसिएट, आप इस पे क्लिक करेंगे, ये फॉर्म को फिल करना है, बेसिक डिटेल्स आपसे फॉर्म मांगता है, ये बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है, और फिल करने के बाद में आप लोग यहाँ पर वॉलेट पे जाएंगे जहाँ पर आप इसको पे करेंगे 235 रुपीज। इसके बाद भी आपको इंतजार करना होगा 14 से लेकर 16 दिन का। तो अब कैंडिडेट के पास एक ईमेल आता है उसकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर, जिसमें उसके सारे क्रेडेंशियल्स होते हैं, ट्रेनिंग का लिंक होता है। अब वो ट्रेनिंग कंप्लीट करेगा, असेसमेंट करेगा, और अपने सर्टिफिकेशन से वो प्राप्त कर सकते हैं। देयर इज वन थिंग दैट आई वुड लव टू डिस्कस एट दिस प्लेस इज कि इसके लिए जो लाइव क्लासेस रहेंगे, वो लाइव क्लासेस का भी एक अलग से ईमेल आता है हमारे कैंडिडेट के पास में, और वो लाइव क्लास का ईमेल उसमें लिंक रहता है, किस वक्त पर ज्वाइन करना है, किस डेट में ज्वाइन करना है, वो सारी डिटेल्स वहां पर रहती हैं। तो हमारे कैंडिडेट यहाँ पे लाइव क्लास भी ले सकते हैं। इससे पहले मैं इसको फिनिश करूं, एक और बात यहाँ पर आपको बता दूं, राशि रिटेलर्स एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास रिटेलर्स सभी लोग रजिस्टर्ड है, जितना भी रिटेल का ब्रांड आप नाम लेंगे वो सारा रिटेल का ब्रांड वो राशि के साथ में रजिस्टर्ड है। जितना भी रिक्वायरमेंट उनके लिए होती है, जितना भी रिक्वायरमेंट उनको होती है, वो राशि को बताते हैं, राशि को मेंशन करते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर स्टेट में, इस डिस्ट्रिक्ट में हमें इतनी रिक्वायरमेंट है। राशि अपने सर्टिफाइड कैंडिडेट्स को उनके यहाँ
प्रीफर कराती है राशि, क्योंकि राशि के सर्टिफाइड कैंडिडेट हैं, वो सीखते हैं यहाँ पर कैसे स्टोर को साफ रखना है, कैसे स्टोर को सिक्योर रखना है, कैसे कस्टमर से बात करना है, कैसे प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है, कैसे कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को समझना है, कैसे कस्टमर को डिलीवर करना है, अपने स्टोर में श्रिंकेज को कैसे बचाया जा सकता है। श्रिंकेज मतलब सामान की जो मतलब स्पिलेज हो जाता है, सामान इधर उधर चला जाता है, सामान खो जाता है, तो वो कैसे बचाया जा सकता है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उस पर्टिकुलर कोर्स में कैंडिडेट को लेनी होती है। और कैंडिडेट के पास जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, वो सब कुछ अपने आप को स्किल्ड फील करता है कि अब उसको सर्टिफाइड, वो सर्टिफाइड हो चुका है, सर्टिफिकेट उसको मिल चुका है, तो राशि उनको वहां पर जॉब फेयर के थ्रू या उनकी रिक्वायरमेंट के थ्रू कनेक्ट करके हमारे कैंडिडेट्स को वहां पर वो फिर जॉब के लिए भी एक असिस्टेंस प्रोवाइड करता है राशि। तो ये था इस प्रोग्राम के बारे में, राइट। इस तरह का सर्टिफिकेट रहता है, सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं तो यहाँ पर एनएसडीसी का सर्टिफिकेट है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इस देश में जितना भी स्किल ट्रेनिंग होता है, वो सारा स्किल ट्रेनिंग एनएसडीसी के माध्यम से कराई जाती है। राशि एक सेक्टर स्किल काउंसिल है जो रिटेल के कोर्सेज को कराती है। स्किल इंडिया मिशन 2015 से चल रहा है इस देश में के युवाओं को स्किल्ड बनाने के लिए। सीएससी गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड भली भांति जानते हैं। स्किल्स ट्रेनर जो इसका ट्रेनिंग करते हैं, उनको स्किल्स ट्रेनर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इनकी ट्रेनिंग को कंप्लीट करता है। तो ये एक सेंट्रल सर्टिफिकेट है और ये हमारा रिटेल सेल्स एसोसिएट का प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे, राइट। तो अब अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन है आपका इस कोर्स को लेके, इस पर्टिकुलर चीज को लेके क्वेश्चन है, तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अजय जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज बताएं, उसके बाद। बिल्कुल, मेरे कुछ सवाल हैं। एक तो सारे बीएलई से मैं अपील करूंगा कि इसके बारे में मैंने पहले भी कुछ अध्ययन किया है, ये अपने आप में पूरी तरह से स्किल का कोर्स है और बगैर किसी संसाधन के आप लोग को ये करने की एक जिम्मेदारी मिल रही है और साथ ही एक सबसे वाजिब कीमत पे है। इसके टक्कर में आपको कोई कहीं भी स्किल का कोर्स कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट से नहीं मिलने वाला है। अब एक मेरा हर सर आपसे एक सवाल है कि जॉब रोल के लिए जो अपना रिटेल सेल्स एसोसिएट है, इसके लिए क्या किसी प्रकार की कोई टूल किट की जरूरत पड़ेगी? जी सर, जहाँ तक टूल किट की बात है, तो ये एक ऐसा कोर्स है जिस कोर्स के अंदर में हम लोग कस्टमर फेसिंग सीखते हैं। कस्टमर को कैसे फेस करना है सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है, तो इसके लिए किसी भी प्रकार के टूल की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए अगर आवश्यकता है तो सिर्फ कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है, इसके लिए आवश्यकता है तो सिर्फ टाइम की आवश्यकता है, इसके लिए आवश्यकता है तो सिर्फ उन चीजों की आवश्यकता है जो उसको जॉब करने के लिए तैयार करती हैं, यानी कि जॉब रेडीनेस नेचर उसका होना चाहिए। तो वो अपने आप को उस लेवल पर पाएगा कि हाँ, अब वो नौकरी करने में सक्षम है और वो नौकरी कर सकता है। क्योंकि ये एक एंट्री गेट, क्योंकि एक एंट्री लेवल जॉब रहती है रिटेल सेक्टर में, तो इस सर्टिफिकेट कोर्स को करने के बाद हमारे कैंडिडेट फील करते हैं कि अब वो रिटेल सेक्टर में एंट्री ले सकते हैं और अपने आप को एक अच्छे खासे ब्लू कलर जॉब, अच्छे खासे वो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऑर्गेनाइज जॉब है, सब कुछ अच्छा रहता है, तो वो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो सर कोई टूल किट इसमें आवश्यक नहीं होती है। ठीक है, अगला सवाल है कि लाइव क्लास जो आपने अभी बताया, लाइव क्लास का क्या प्रक्रिया क्या होता है? क्या ये प्रॉक्टोरियल क्लास होते हैं जो लाइव क्लास, इसमें सामने से कोई होता है, ट्रेनर होता है? क्रेडेंशियल इसका कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा कैंडिडेट को, ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए। करेक्ट 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 करेक्ट। तो बेस का प्रोसेस एक बार वापस से आपको बता देना चाहता हूँ। अभी माना कि किसी एक कैंडिडेट ने अपने आप को रजिस्टर किया, वो रजिस्ट्रेशन पीएलई के माध्यम से हो जाता है। तो जैसे हमारे साथ में अमित त्रिपाठी हैं, अमित त्रिपाठी ने किसी स्टूडेंट को रजिस्टर किया, आज से 14 दिन के अंदर, आज 13 जनवरी 2023, 27 जनवरी 2023 से पहले पहले कैंडिडेट के ईमेल आईडी पर उसके क्रेडेंशियल्स पहुंच जाते हैं। 14 दिन का टाइम लगता है क्रेडेंशियल्स को जाने में, मैक्सिमम टाइम की लिमिट 14 दिन है, तो उसको 14 डेज के अंदर में उसके पास क्रेडेंशियल्स पहुंच जाते हैं। उन क्रेडेंशियल्स के बेसिस पर, जिसमें यूआरएल होता है, यूजर आईडी होता है, पासवर्ड होता है, उनके बेसिस पर वो जो सेल्फ बेस्ड लर्निंग है वो सेल्फ बेस्ड लर्निंग कर सकता है, एलएमएस मॉड्यूल्स में वो पढ़ सकता है। लाइव क्लासेस के लिए एक अलग से ईमेल जाता है इन्हीं दिनों में, जिसके अंदर वो लाइव क्लास ले सकता है। 2-2 घंटे की 2 लाइव क्लासेस उसके अंदर में रहती है। जो लाइव क्लासेस हैं ये ट्रेनर लेड प्रोग्राम के अंदर में रहता है। ट्रेनर उनको बताते हैं, ट्रेनर उनको सिखाते हैं, जो रिटेल की चीजें हैं, जो रिटेल के स्किल्स हैं उनको दिए जाते हैं। साथ ही साथ सॉफ्ट स्किल्स पे काम किया जाता है 2 घंटा, तो 2 घंटा सॉफ्ट
की क्लासेस होंगी, 2 घंटा रिटेल की क्लासेस होंगी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो उनको टीचर लेड प्रोग्राम में सिखाए जाते हैं। तो ये इसका प्रोसेस है सर। अब इसी क्रम में अगला सवाल है कि इसके परीक्षा की प्रक्रिया क्या है, प्रमाण पत्र कैसे मिलता है और समय कितना होता है परीक्षा का, जैसे समय अवधि सुबह कितने बजे से शाम के कितने बजे तक, और माध्यम इसका जो पीरियड हो मतलब मीडियम क्या है, ये किस तरीके से एग्जाम होता है, प्रॉक्टोरियल होता है, असाइनमेंट बेसिस होता है, किस तरीके से होता है। करेक्ट। सो अगर मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में बताऊं ताकि हमारे सभी वीएलए जिसको समझ पाए, सो जैसे ही वो अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, अपने मॉड्यूल्स को कंप्लीट कर लेते हैं, मॉड्यूल्स कंप्लीट करने के बाद असेसमेंट का लिंक वहां पर ओपन हो जाता है, एक पॉपअप रहता है असेसमेंट बिल्कुल नीचे, तो असेसमेंट पे क्लिक करेंगे, असेसमेंट उनके सामने आ जाता है, असेसमेंट देना शुरू करेंगे, असेसमेंट में क्वेश्चंस होते हैं। और यही आपको एक बात और बता दूं, हर एक मॉड्यूल के बाद में हमको प्रैक्टिस असेसमेंट दिया जाता है, जिसमें वो उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर में जो उन्होंने सीखा होगा वो उसके असेसमेंट को कंप्लीट करेंगे, ताकि उनको असेसमेंट का प्रैक्टिस होता रहे। जो फाइनल असेसमेंट होगा वो फाइनल मॉड्यूल को कंप्लीट करने के बाद असेसमेंट पे क्लिक करेंगे, असेसमेंट वहां पर देंगे। प्रॉक्टोरियल बिल्कुल भी नहीं होता है, उसको किसी भी वक्त पर दिया जा सकता है, उसे किसी भी समय पर दिया जा सकता है, उसमें कोई ऐसे प्रॉक्टोरियल नहीं है, तो मतलब उसमें कोई भी इन्विजिलेटर नहीं रहता है। तो हमारे कैंडिडेट खुद से इसको करेंगे। असेसमेंट में अराउंड 30 क्वेश्चंस होंगे, चूंकि ये कोर्स अभी लॉन्च हुआ है, पहला बैच हम लोगों ने इसका बनाया है, तो 30 क्वेश्चंस इसमें रहते हैं, उन 30 क्वेश्चंस के आंसर्स करने होंगे। 50% मार्क्स हो रहता है, अगर 50% मार्क्स बच्चे ने किया तो वो वहां पर उसको सर्टिफाइड माना जाता है, उसका सर्टिफिकेट वहीं पर डाउनलोड हो जाएगा। असेसमेंट कंप्लीट होते ही वहां पर नेक्स्ट का ऑप्शन रहता है, नेक्स्ट ऑप्शन में आप जाएंगे तो वहां पर आपको सर्टिफिकेट दिखना शुरू हो जाता है, वहां से आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। क्या इसमें ऑन जॉब ट्रेनिंग की भी ऐसी कोई व्यवस्था की जाती है या इसकी जरूरत नहीं है इसमें? बिल्कुल नहीं, इसमें ऑन जॉब ट्रेनिंग की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ऑन जॉब ट्रेनिंग मेजरली मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग सेक्टर में ओजेटी की सुविधा रहती है, क्योंकि ये कस्टमर फेसिंग जॉब रोल है, जहां पर कस्टमर के साथ में हमें इंटरेक्ट करना होता है, तो उसमें एज सच ओजेटी नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज है, जितने भी हमारे सर्टिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं उनके पास टाइम, उनके पास समय दर समय उनके पास ईमेल्स आने शुरू हो जाएंगे, उनके पास नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा, जहां से उनको बताया जाएगा कि उनके पर्टिकुलर एरिया में कहां कहां जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं रिटेल को लेकर, और वो वहां पर जाकर अपने आप को इंटरव्यू कर सकते हैं। तो वो टाइम बाय टाइम रहता रहेगा, उनको राशि के से नोटिफिकेशन आते रहेंगे। हर सर इसमें एक पॉइंट और ऐड कर दीजिए थोड़ा सा, ये इसके बारे में राशि के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बताइए, ये संस्था है कहाँ से रिकॉग्नाइज और इसकी वैल्यू क्या है। थोड़ा सा शुरू में बताया तो था आपने, लेकिन एक बार मैं चाहूंगा कि फिर से थोड़ा खोल के बताएं कि ये राशि है क्या वास्तव में। हमारे देश में अगर मैं इस मिशन की बात करता हूँ, स्किल इंडिया मिशन की बात करता हूँ, तो स्किल इंडिया मिशन के अंदर हर एक सेक्टर का जॉब रोल है। स्किल इंडिया मिशन एक ऐसा मिशन है जहाँ पर देश के युवाओं को उन पर्टिकुलर जॉब रोल्स में ट्रेनिंग दी जा रही है, जिन जॉब रोल्स में हमारे कैंडिडेट का इंटरेस्ट है, उनके इंटरेस्ट के बेस पर, देश के रिक्वायरमेंट के बेस पर बहुत सारे सेक्टर्स हैं। अगर मैं सेक्टर्स की बात करता हूं तो सर वहां पर इंजीनियरिंग एक सेक्टर हो जाता है, हेल्थ केयर एक सेक्टर हो जाता है, टेलीकॉम एक सेक्टर हो जाता है, रिटेल एक सेक्टर हो जाता है, ब्यूटी एंड वेलनेस एक सेक्टर हो जाता है, हॉस्पिटैलिटी एक सेक्टर हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे सेक्टर्स अपने आप में इस देश में भी काम कर रहे हैं। राशि चूंकि रिटेलर्स एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो राशि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो रिटेल सेक्टर की सभी ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करता है, जो रिटेल सेक्टर की सभी ट्रेनिंग को देखता है, रिटेल सेक्टर की सारी ट्रेनिंग के असेसमेंट जो रहते हैं वो राशि के माध्यम से हो, ताकि रिटेलर्स को सर्टिफाइड कैंडिडेट मिल सके उनके स्टोर में काम करने के लिए, उनके कस्टमर से बात करने के लिए उनको सर्टिफाइड कैंडिडेट मिल सके। तो राशि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर काम करता है, एनएसटीसी के अंदर जितना भी रिटेल का ट्रेनिंग होता है, जितना भी रिटेल का रिटेल सेक्टर में जो भी ट्रेनिंग्स होती हैं, चाहे वो लेवल 3 हो, चाहे लेवल 4 हो, चाहे लेवल 10 हो, किसी भी लेवल का ट्रेनिंग जो रहेगा रिटेल सेक्टर में, वो राशि के माध्यम